हेलो फ्रेंड्स, मैं मथुलिका आप सबके लिए लाई हूँ आज चटपटे करारे आटे के कटलेट। जी हाँ, आपने कटलेट तो बहुत खाए होंगे पर आटे के कटलेट आपने कभी नहीं खाए होंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट और करारे और क्रिस्पी बने हैं और खाने में इतने टेस्टी हैं, बनाने में इजी है क्योंकि आटा तो करीब करीब घर में रहता ही है। आज मैं आपको यहाँ पर बाजरे और गेहूँ के आटे से कटलेट बनाना सिखाऊंगी, जो कि गुजराती रेसिपी है। इन्हें वहाँ ढेबरा भी कहते हैं और ये बहुत ही बढ़िया बने हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक बर्तन में बाजरे का आटा, गेहूं का आटा और सूजी डालूंगी। अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ढेर सारा तेल, अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, फ्रेश धनिया और एक टेबलस्पून तेल डालें और हाथों से अच्छे से मिक्स करें। आप देख सकते हैं सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में इजीली मिल जाते हैं, तो इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। जब भी चाय के साथ कुछ खाने का मन हो आप इन्हें तुरंत बनाएं। अब इसमें दही डालें और इसे भी अच्छे से मिक्स करें। इस तरह से मिक्स करने के बाद में आप इसमें धीरे धीरे पानी डालें और जिस तरह से हम चपाती का आटा लगाते हैं उसी तरह का एक आटा तैयार कर लें। देखिए इस तरह से हमारे पास ये आटा तैयार हो गया है। अब इसे ढक कर करीब 10 मिनट के लिए साइड में रख दें। यहाँ पर मैंने मेयर की 28 इंच वाली कढ़ाई ली है। यह कढ़ाई इंडियन कुकिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर मैं इसमें तेल डालकर इसे लो फ्लेम पर गर्म कर रही हूँ। सबसे खास बात इस कढ़ाई की यह है कि इसके अंदर कोई स्क्रू नहीं है, उसके हैंडल गर्म नहीं होते हैं। यह मुझे इसकी बात बहुत अच्छी लगी। अब आटे को खोलें और इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लें, जिस तरह से नींबू के आकार के बॉल्स होते हैं उन्हें बनाएं और हल्का सा चपटा कर लें, क्योंकि ये मोटे होंगे तो इसे फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये आटे से बने हैं और एकदम कच्चे हैं और इन्हें हमें बहुत अच्छी सिकाई करनी है। तो इन्हें चपटा रखेंगे तो काफ़ी अच्छे कटलेट्स बनकर आएंगे। इस तरह से आप सभी कटलेट्स को तैयार कर लें। देखिए इस तरह से मैं साइड्स को थोड़ा पतला रख रही हूँ ताकि अच्छे क्रिस्पी बने। इस तरह से सभी कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। अब तेल भी गर्म हो चुका है, फ्लेम को लो पे रखें और काफ़ी सारे कटलेट्स इसमें एक साथ डालें। हमें इनकी काफ़ी अच्छी सिकाई करनी है। जिस तरह से हम कचौरी और समोसे की सिकाई करते हैं वैसे ही हमें इसे सीखना है, क्योंकि आटे को यदि अच्छे से नहीं सीखा तो यह इसमें काफ़ी कच्चापन रह जाएगा। और इस कढ़ाई की खासियत यह है कि यह मैंने कम तेल में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप इसमें तल सकते हैं, क्योंकि इस कढ़ाई का शेप ही इस तरह का बना हुआ है कि एक साथ काफ़ी ज़्यादा कुकिंग आप इसमें कर सकते हैं। अब इन्हें लो फ्लेम पर ही तलने दें। एक बार ये फर्म हो जाए तो इन्हें पलटें और दूसरी साइड से भी लो फ्लेम पर ही तलने दें, जब तक कि इसमें हल्का सुनहरा रंग ना आने लगे। अब इनका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, इन्हें पलटें और फ्लेम को हल्का सा तेज करें, बहुत तेज नहीं, मीडियम टू लो पर ही रहने दें और इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर होने तक तल लें। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनका काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है और छोटे छोटे से आपको क्रैक्स भी दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब हमारी ये आटे के कटलेट सब तल कर तैयार है। इन्हें बाहर निकालें और गर्मा गर्म ही चटनी के साथ और सॉस के साथ इन्हें सर्व करें। आप देख सकते हैं सिर्फ आटे और कुछ मसालों से हमने कितने बढ़िया कटलेट बना के तैयार कर लिए हैं। तो आप भी इन कटलेट्स को ज़रूर बनाएं। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर है, बाहर से एकदम क्रिस्पी अंदर से एकदम मॉइस्ट। आप इन्हें 2 से 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे तब चाय के साथ इन्हें एंजॉय कर सकते हैं, सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। थैंक यू।